सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। नाजरीन, तेलंगाना असेंबली का बजट सेशन 7 मार्च से शुरू होगा। बजट की मंजूरी के लिए 6 मार्च को काबीना का इजलास मुनाकिद होगा। वजीर फाइनेंस हरीश राव 7 मार्च को साल 2022 और 23 का बजट पेश करेंगे। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास मुनाकिद होगा, जिसमें आयामकार की तादाद तय की जाएगी। प्रगति भवन में मुनाकिदा इजलास में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव, वजीर फाइनेंस हरीश राव, वजीर उमूर मुखानना प्रशांत रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्णा राव, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी समीता सब्रवाल, राजशेखर रेड्डी और लेजिस्लेचर सेक्रेटरी नरसिम्हा चारेलु ने शिरकत की। बवसूख जराए के मुताबिक हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर केसीआर के मुजवजा दौरे दिल्ली के पेश नज़र बजट सेशन मार्च के पहले हफ्ते में तलब करने का फैसला किया है। इब्तदा में कहा जा रहा था कि जारिया माह के अवाखिर में बजट सेशन शुरू होगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौमी सियासत में रोल अदा करने की सरगर्मियों के तहत दौरे दिल्ली का मंसूबा रखते हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के अलावा कौमी और इलाकाई जमातों के कायदीन से रब्त कायम किया है। इजलास के 7 मार्च से आगाज के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा प्रेस नोट में पहले ही दिन बजट की पेशकशी का ऐलान किया गया। असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से गवर्नर सौंदर्या राजन के खिताब के बारे में कोई वजाहत नहीं की गई। इसी दौरान सेक्रेटरी लेजिस्लेचर नरसिम्हा चारेलु ने असेंबली और काउंसिल इजलास का ऐलामिया जारी किया है। दोनों ऐवानों के इजलास का सुबह 11:30 बजे आगाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़।